आजादी के 70 सालों के बाद भी हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहां किसी भी घर में एक भी शौचालय नहीं है। वजह आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो सकते हैं, आप आश्चर्य कर सकते हैं। इस गांव के लोग खौफ में जीते हैं, खौफ इस बात का कि अगर हम शौचालय बनाते हैं गांव में तो हमारे घर में किसी की मृत्यु हो सकती है। ये गांव है बिहार के नवादा जिले में, गांव का नाम है गाजीपुर, ये अकबरपुर प्रखंड का गांव है। आइए हम यहां के लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि यहां के लोग अपने घर में शौचालय क्यों नहीं बनाते हैं, अगर कोई बनाना भी चाहते हैं तो अड़चन कहाँ पे आती है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि अगर हम शौचालय बनाने की पहल करते हैं तो हमारे गाँव वाले रोक लेते हैं और हमें मना करते हैं, खास करके महिलाएं जहर खाने लगती हैं। तो जरा ये रोचक भी है और बहुत दुखद भी है इस गांव में शौचालय का नहीं होना। तब जब देश में जो अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा कि खुले में शौच नहीं किया जाए, घर में शौचालय बनाया जाए, इस दौर में एक पूरा गांव, जिस गांव में 200 से 250 घर हैं, किसी भी घर में एक भी शौचालय नहीं है। लोटा लेके कहाँ जा रहे हैं? जी शौच के लिए जा रहे हैं। तो ये शौच के लिए लोटा लेके बाहर क्यों जा रहे हैं? ये हमारे गांव में शौचालय ही नहीं, क्यों नहीं शौचालय बनता ही नहीं है। 1984 में, 1996 में, 2009 में जो घटना घटी है इसके वजह से हमारे गांव में शौचालय है नहीं। क्या घटना घट गई? ये गड्ढा खनाया और घर के बड़े लड़का का देहांत हो गया 1984 में। उसके बाद 1996 में बड़े लड़का का, 2009 में बड़े लड़का का ही मृत्यु तो नहीं हुआ लेकिन अपंग हो गया वो करीब करीब। तो आप इसलिए गांव में शौचालय नहीं? इसलिए गांव में सभी बड़े 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 बच्चे बूढ़े सब लोग जो हैं भ्रमित हुए हैं। मतलब इतना ही पानी में काम चल जाता है? जी हाँ। तो हम लोग जो बनाना भी चाहेंगे हुजूर, तो हम लोग के जनाना सीधे जहर खाना पसंद कर लेगी, लेकिन शौचालय नहीं चाहिए। शौचालय नहीं चाहिए, अब पैखाना बनावे के बेटा मर जाएगा तो घर तो हमारा बर्बाद हो गया, तो कहा हम बलि दे बेटा के, इसलिए डर से नहीं बनाते हैं। हाँ यदि हम मर जाए तो कोई चिंता नहीं है। महा तकलीफ है, जब हमको कोई सुख नहीं है तो सब पैसा बेकार है। लड़का मर गया था यहाँ किसान लोग के, अच्छा, तो वही से यहाँ डर से नहीं बनाता है पखाना। अच्छा, आप लोग भी नहीं बनाते? कहाँ बनाया डर से की? आप भी डरते हैं शौचालय बनाने से? हाँ डरा था। जो यहाँ रहता है उसे आदत हो गई है, उसने आदत डाल ली, पर मुझे नहीं, बाहर जाना होता है तो हम खाना खाते ही नहीं। लेकिन बच्चे पे तो असर पड़ेगा, प्रेगनेंट है, प्रेगनेंसी कितने दिन की है? 6 मंथ। तो बच्चे पे तो असर पड़ेगा, डर नहीं लगता है? लगता है, क्या करें? डॉक्टर बोलते हैं खाने पे ध्यान दीजिए, अगर मैं खाने पे ध्यान दूंगी तो लैट्रिन की प्रॉब्लम होगी, इसलिए तो ये होगी ना, बाहर जाना पड़ेगा। और भी बहुत प्रॉब्लम है, दिन में जाए घूंघट डाल के घर से, रूम से बाहर नहीं जाते हैं, और घूंघट डाल के जाए लैट्रिन, जाएंगे बाहर तो अकेले ही जाएंगे, और अकेले में तो कुछ भी हो सकता है, छेड़खानी या मतलब कुदरती कुछ भी, इससे साथ बिच्छू जाएंगे भी वैसे ही जगह पे जहाँ पे पेड़ पौधे हो, जहाँ से कोई दिखे ना। जब मेरे गांव में रिश्ता आते हैं लड़के का, तो अगर उनको मालूम चलता है कि इस गांव में लेटरिन नहीं है तो शादी के लिए मतलब इनकार कर देते हैं कि ये मेरी आएगी बेटी कहाँ जाएगी, बाहर में जाना पड़ेगा, खेत है, इस कारण रिश्ता भी थोड़ा नहीं हो पाता है, यही सब दिक्कत है यहाँ। अच्छा, तो कैसे शादी होती है फिर? फिर वही शादी तो होता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे तो थोड़ा, सब लोग जिसे होते हैं ना कि आए, कुछ अच्छे घर से भी आते हैं बहुत लोग लड़की वाले, तो सोचते हैं कि तो अच्छा गांव और देखें, मतलब कि गांव जहाँ टॉयलेट हो वहाँ हम शादी करें लड़की का। आप पढ़े लिखे हैं? आप कितना पढ़े? ग्रेजुएशन अभी किए हैं। तो आप तो पहल कर सकते हैं जी, क्या पहल कि शौचालय बनवाए, आप तो अपने घर में बनवा। हाँ, बनवाने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सब गांव वाले का जो है कि अब सब परंपरा जो है, पहले आज के 20-25 साल पहले जो घटना हो गया है कि बनाने के लिए, मेरा ही घर से शुरुआत हुआ था, फर्स्ट बार मेरा ही घर में बनने के लिए स्टार्ट हुआ, तो मेरे एक चाचा हैं वही डेट कर गया। स्कूल तो यहाँ बना हुआ है बच्चे, और शौचालय भी उसमें बना हुआ है, तो उसमें क्या शौचालय का इस्तेमाल करते हो आप लोग? नहीं, कोई भी नहीं जाता है डर के कारण। काहे का डर? यहाँ कोई मर गए थे, इसी डर के कारण कोई भी नहीं जाता। तो तुम लोग को अजीब नहीं लगता? अजीब तो लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दूसरे गांव की सहेलियाँ चिढ़ाती नहीं है? चिढ़ाती तो है, खराब भी लगता है, लेकिन कोई जैबे न करता है तो फिर नहीं जाते। क्या कहती हैं दूसरे गांव की सहेलियाँ? बोलती है तुम लोग कैसे गांव की है, तुम्हारे गांव में शौचालय नहीं है, ये वो बोलती है। और क्या,
कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत, जहाँ कोई भी फ्रेंड मिलती है ना तो बहुत चिढ़ाती है कि तुम्हारे गांव में शौचालय नहीं है। तो हम बोले, हम बोलते हैं कौन सी बात है, शौचालय नहीं है तो मतलब शर्मा जाते हैं। तो इसके बदले में बोल देते हैं कि ये कौन सी बात बड़ी हुई जो शौचालय नहीं है। जाते हैं खेत में, पापा बोलते हैं कि बेटा क्या करोगे जब यहाँ बन भी नहीं करता है, तो अपना शादी चाहती हूँ जिस घर में शौचालय। गाजीपुर का ही एक घर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, गर्म पानी से नहाने के लिए यहाँ गीजर लगा हुआ है, शावर भी है, इधर दिखाते हैं शावर भी है, नल भी बहुत सारे हैं, चापाकल भी है, लेकिन इस गाँव में, इस घर में भी शौचालय नहीं है। आप देख सकते हैं बेसिन भी है यहाँ पे हाथ धोने के लिए, यहाँ बेसिन है और पानी भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ शौचालय नहीं है। यहाँ आप बैटरी है, इतना बड़ा इन्वर्टर देख रहे हैं आप, स्टेबलाइजर है, मतलब आधुनिक जो सुख सुविधाएं के सामान है, वस्तुएं हैं, वो सारी सुख सुविधाओं से लैस है ये गांव, लेकिन इस गांव में बस जो एक चीज नहीं है वो है शौचालय। किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं और खाना दो चार बार लिखवाने में, दो बार खाना खाते हैं कि हम लेटरिन दिन में लग जाएगा तो किधर जाएंगे, क्या सब जेंट्स लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे यहाँ। और सारा चीज तो व्यवस्था है, ये है लेटरिन के वो यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप लोग, हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग लेटरिन बनवा दें। दिखाओ मोबाइल, मोबाइल दिखाओ इधर, मोबाइल सामने से दिखाओ, अरे स्क्रीन में देने लगे लठी मोबाइल वैसे ले मोबाइल। हाँ मोबाइल में गाना बजाते हो, आता है बजाने? क्या नाम है? करण। गांव में शौचालय है? शौचालय का है, हमारे छोटा चचा का लड़का संजय कुमार उर्फ पप्पू का 1984 में देहांत हुआ, यही इसी जगह शौच बना, और बनने के बाद दो दिन के बाद ही अचानक तबीयत खराब हुआ और मौत हो गया, जो कि हम लोग आज तक इस जगह को भी यूज नहीं कर रहे हैं। ये पहली घटना यही थी? पहली घटना यही थी 1984 में। आप शगुन मान लिए इसको आप? जी, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यूज जगह को नहीं कर रहे हैं, कोई चीज नहीं कर रहे हैं। कितना उम्र था जिसकी? उसका करीब 15-16 साल। शौचालय का इस्तेमाल और बनाते नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई है पूर्व में कि जो लोग शौचालय बनाने का प्रयास किए तो या तो उनको दुर्घटना हो गया या उनके परिवार में किन्हीं की मौत हुई, तो उस वजह से लोग डरते हैं। तो काफ़ी लोग हैं संपन्न, घर में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन इसी मान्यता के कारण वो शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि यहाँ पे लोगों को अब कन्विंस करना है कि जो भी दुर्घटना हुई वो संजोग है, इन्हें कि ऐसा शौचालय जाने से या शौचालय का निर्माण करने से कुछ हो जाता है, अनिष्ट होता है, तो इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और इसी के लिए हम लोग चाह भी रहे हैं, पूर्व में भी प्रयास किया गया 1-2 महीने पहले, जिसमें सभी लोग गांव वाले शामिल भी हुए और बाकायदा मंदिर में पूजा पाठ किया गया, भंडारा किया गया और लोगों को पूजा पाठ करके ईंट भी दिया गया, और लोग उस मानसिकता से बाहर निकलने का भी प्रयास कर रहे थे कि हम लोग बना लेंगे, लेकिन फिर मामला वो रुक गया। तो लोग चाहते हैं कि शौचालय बने और इस्तेमाल करें, लेकिन केवल उस मान्यता की वजह से ये मामला रुक जा रहा है। तो इसलिए हम लोग अब इसमें लगे हुए हैं कि इस मानसिकता से लोग बाहर निकल करके अगर कुछ लोग भी तैयार हो जाते हैं एक साथ बनाने के लिए, तो हम लोग उसके लिए उनको सहयोग कर देंगे, क्योंकि सरकार से भी हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसमें प्रावधान है 12,000 रुपये देने का शौचालय बनाने का। तो हम तो चाह रहे हैं कि केवल जो सरकारी मॉडल है उसको ना बना करके वो बढ़िया से बढ़िया शौचालय बनाए अपने घर में, जिसमें सभी सुविधाएँ हों, वो अपने गीजर लगा लें, टॉयलेट में अपना टाइल्स लगा लें, मार्बल लगाएं, ताकि जो संपन्नता है इस गाँव में वो हर माने में झलके। सर्वे में यहाँ ग्रामीण लोग से मिले तो बोलते हैं कि बोल जब हमको शौचालय बनाना ही नहीं है तो फिर सर्वे क्यों करें, सर शौचालय बनाते हैं तो घटना घट जाता है, पूर्वज में 2 घटना घट चुका, इसी के चलते कोई आगे आना नहीं चाह रहे हैं। ये गाजीपुर का ही एक घर है, उसमें हम आए हैं, इस घर में एक कमरा है, आप देख सकते हैं इस कमरे में अलमीरा है और कूलर भी है, इधर देख सकते हैं आप कि यहाँ कूलर भी है,
गर्मी के दिन के लिए यहाँ कूलर भी इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि गर्मी नहीं लगे, लेकिन शौचालय नहीं है। खास बात है कि इस घर में फ्रिज भी हम देख पा रहे हैं कि फ्रिज भी है, देख सकते हैं आप यहाँ फ्रिज भी है, चालू हालत में है। देखिए चालू हालत में है, यहाँ पे पानी वानी दिख रहा है आपको, दूध भी है, सब्जी है, नींबू भी है, लेकिन जो नहीं है इस गांव में वो है शौचालय। बहुत दुखद बात है कि एक अंधविश्वास की वजह से एक धारणा बन गई है यहाँ लोगों में कि अगर हम घर में शौचालय बनवाते हैं तो हमारे घर में किसी भी परिजन की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इस तरह की 3 घटनाएं इस गांव में घट चुकी है। सबसे पहली घटना तब की है 1984 की, 1984 में पहली बार इस गांव में एक पहल की गई थी शौचालय बनाने की, लेकिन उसी घर के एक बच्चे का निधन हो गया। उसके बाद लंबे समय तक किसी ने इस गांव में शौचालय बनाने का प्रयास नहीं किया। फिर 1984 के बाद सीधे 1996, जो सोच सकते हैं कि 12 साल बाद पुनः प्रयास किया गया था इस गांव में शौचालय बनवाने का, लेकिन 1996 में भी जब शौचालय बनाने लगे तो जिस घर में शौचालय बनाया जा रहा था उस घर के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से। तो लोगों ने इसे भी उस रूप में ले लिया कि शौचालय बनाने की वजह से ही इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद 1996 के बाद की घटना है 2009 की, 2009 में फिर प्रयास किया गया। फिर देखिए एक अंतराल देखिए, 2009 और उससे पहले 1996, तो 13 साल बाद फिर से प्रयास किया गया शौचालय बनाने की, पहल की गई किसी के द्वारा, लेकिन इस बार किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन एक दुर्घटना हुई जिसमें उस घर के एक व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर नहीं हड्डी टूट गई और उसमें रड लगाया गया। तो ये मान लिया कि इन तीनों घटनाओं को अगर देखते हैं तो इन तीनों घटनाओं की वजह से लोगों में एक अंधविश्वास, एक धारणा बन गई है कि अगर हम अपने घर में शौचालय बनाते हैं तो हमारे घर के किसी न किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो ये स्थिति दलितों की बस्ती में भी हम गए, वहां भी देखे, वहां भी स्थिति यही, वहां भी लोग शौचालय बनाने से डरते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गांव का घर ऐसा ही होता है। गांव के घर में फ्रिज होना, कूलर होना और आप देखें कि गीजर भी इस घर में है, बड़ी बात है, लेकिन शौचालय नहीं होना ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि ऐसे दौर में जब आजादी का 70 साल हो गया, 70 साल के बाद भी आज ये स्थिति है कि घर में, किसी भी घर में, एक गांव के किसी भी घर में 200 से 250 घर है इस गांव में, और इस गांव में अगड़ी जाति के भी लोग हैं, दलित पिछड़े भी लोग हैं, लेकिन किसी के घर में भी शौचालय नहीं है। यहाँ नौकरी पेशा वाले भी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोग भी अंधविश्वास के आगे उनका जो ज्ञान है, उनकी जो बौद्धिकता है और उनकी जो कह सकते हैं प्रगतिशीलता, वहां आके रुक जाती है और लोग अंधविश्वास पर विश्वास करके अपने घर में शौचालय नहीं बनाते, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ की महिलाओं को भुगतना होता है। महिलाओं के बारे में यहाँ लोग बता रहे थे कि महिलाएं कम खाती है कि इसलिए कि उन्हें शौच नहीं जाना पड़े बार बार, इसलिए दिन भर में सिर्फ एक बार खाना खाती है। दिक्कत सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ के प्रेग्नेंट महिलाओं को, जिसको डॉक्टर ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाना खाइए, लेकिन वो इसलिए नहीं खा पाती है कि अगर दिन में कभी भी शौच लग गया तो दिन में खेत में जाकर शौच करना उनके यहाँ के हिसाब से, यहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे आसपास में घूमते टहलते रहते हैं, शौच के लिए अक्सर रात में अंधेरे में जाया करती है खेतों में या फिर गांव के बाहर नदी है पास में वहां पे। ये जो पीछे दिख रहा है ये गाजीपुर गांव का प्राथमिक स्कूल है, यहां पर ये शौचालय है, आप देख सकते हैं कि इस गांव के सिर्फ एक स्कूल में ही शौचालय है, लेकिन बात ये बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि इस शौचालय में भी लोग नहीं जाते हैं, खुले में ही शौच करते हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर शौचालय बना बनाया भी इन लोग को इस गांव में मिलता है तो लोग उस शौचालय का इस्तेमाल करने के बजाय वो बाहर में ही, खुले में ही शौच करना पसंद करते हैं। पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक खौफ है कि गांव में अगर हम शौचालय में शौच करेंगे तो हमारी जान को खतरा है या हमारे घर में किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना या किसी भी तरह से मृत्यु हो सकती है, चाहे वो किसी बीमारी से हो, किसी दुर्घटना से हो या अन्य किसी कारण से हो। इस गांव के लोग इसी खौफ में जीते हैं कि शौचालय अगर हमारे घर में होगा तो वो हमारे लिए खतरा है, हमारे घर के किसी भी सदस्य की जान जा सकती है सिर्फ एक शौचालय होने से। ये अंधविश्वास है और इसी अंधविश्वास के साथ यहाँ लोग जी रहे हैं। एंड्रॉयड फोन बहुत लोगों के हाथ में है, लेकिन जो नहीं है वो है शौचालय।